और क्या क्या मालूम किया? मालूम किया ये जमुना जो है ना वो पुलिस ऑफिसर है। बाप रे बाप, मैंने जिंदगी में बहुत से ऑफिसर देखे लेकिन इतनी खतरनाक मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत डेंजर है बाप, बहुत डेंजर है। ये सब क्या हो रहा है? अरे देखो यार, लड़की आई है। बहुत खूबसूरत है यार। लेडी इंस्पेक्टर है। वो भी अकेली आई है? हाँ, मैं अकेली तुम सब पर भारी पड़ूंगी। समझ गया ना गुरु, अब तो इरादा बदल गया होगा ना। दूसरी लड़की का क्या नाम बताया था तूने? गंगा, वकील है वो। वकील क्या जलजला है। करो लक्ष्मी बाई का केस तू लड़ रही है ना? हाँ, क्यों? तू ये केस मत लड़, मैं ही उसका पति हूँ, समझे? ओहो, तू ही उसका पति है। लक्ष्मी बाई ने गरीबी में तेरा साथ दिया, अब अमीर हो गया तो तूने उसको तलाक दे दिया। अब बेचारी कहाँ जाएगी, अपनी जिंदगी कैसे काटेगी? उससे तुझे क्या लेना? मुझे उसका हक दिलाना है। तुझे उसे हर महीने 10,000 रुपए खर्चा देना पड़ेगा। ये केस जीतने तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू जिंदा रहेगी तो हक दिलाएगी ना। मैं क्या चीज हूँ तुझे अभी बताता हूँ। मैं फैसला कोर्ट के अंदर और बाहर भी करती हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन है तूने इरादा बदल लिया होगा। इरादा बदला नहीं बल्कि और भी पक्का हो गया। तीसरी के बारे में नहीं सुनोगे? सरस्वती जो बिजली है और कैसे चमक कर गिरती है ना? गिरती नहीं, ये पानी में खड़ी रहती है। क्या मतलब? पेशे से वो डॉक्टर है, सिर्फ औरतों का इलाज करती है, मर्दों को नजदीक फटकने नहीं देती है और शादी का कोई इरादा नहीं है। ये पहलिया क्यों बुझा रहा है, साफ साफ क्यों नहीं बताता? वो हनुमान जी की भक्तन है, ब्रह्मचारण है, उसका अजीबोगरीब आचरण है। तो ये है तेरे तूफान, जलजला और बिजली जिससे तू इतना डर रहा है। अभी मेरी हॉरर कहानी खत्म नहीं हुई गुरु। इन तीनों लड़कियों का दूर का एक अंकल है और उनके तीन लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है तेड़ा, बीच वाले का नाम है मेड़ा और छोटे वाले का नाम है तेड़ा। और उनका बाप हिटलर हटेला। एक हिटलर दुनिया से हट गया, ये रह गया। बड़ा कमीना कुत्ता पापी है। वो सोच रहा है उनके तीनों लड़कों की शादी इन तीनों लड़कियों के साथ कर दें। नाम है मेरा हटेला हिटलर,
मेरी मक्कारी के सामने हिटलर भी बन जाता है बटलर। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? क्या कहा कादर तूने? तुझे लॉटरी लग गई? ओ लाले, 10 लाख की, पूरे 10 लाख की, देख पेपर में दिया है, देख 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 तो। मुबारक हो कादर, तू तो लखपति बन गया। लेकिन मेरे पास क्यों आया? सुना है सरकार टैक्स काट के पैसा देती है। ओ लाले, तेरे पास तो ब्लैक का मनी बहुत बहुत है। ये लॉटरी का टिकट ले ले, अपना काला पैसा सफेद बना ले, पूरे 10 लाख रुपए कैश दे दे, वो भी अभी। ठीक है कादर, मैं तेरी आरजू पूरी कर देता हूं। हिटलर नहीं, भरने वाले की आखिरी आरजू पूरी करनी ही पड़ती है। अरे खून, डैड आपने अपने बचपन के दोस्त कादर को मार दिया। और क्या करता, उसे मालूम था कि मैं जान होकर था, उसी मालिक को जान से मारकर मैंने उसकी सारी दौलत हड़प कर ली थी, फिर भी ये मेरे पास 10 लाख की जीती हुई लॉटरी लेकर आ गया। एड़े, लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? यस पाप। एड़े, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पाप कह के मत पुकारो, क्यों मुझे याद दिलाते हो कि तुम तीनों उल्लू के पट्ठों को जन्म देकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सॉरी, अब हम आगे से नहीं बोलेंगे। बॉबी भैया, आप हमें याद दिलाना कि पाप को पाप नहीं पापू कहते हैं। ठीक है गुलू जी, तुम मुझे याद दिलाना कि भैया को याद दिलाना है। जी भैया। पिताजी, इन्हें याद दिलाने के लिए आप मुझे याद दिलाना। उल्लू के पट्ठो, अड़े तेड़े एड़े, मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा जमुना सरस्वती को तुम जानते हो? जानते का क्या मतलब है, हमने तो उन तीनों नदियों में स्नान भी किया हुआ है। हाँ। उन तीन नदियों में तुम तीनों डूब कर क्यों नहीं मरे? सुनो, मैं नदियों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे अंकल शर्मा, उनकी तीन लड़कियां गंगा जमुना सरस्वती, उन तीनों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, शादी करो और उसके बाद उसकी सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजू बेटा, मैं और मधु कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाकर आते हैं। देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि अरुण को सद्बुद्धि दे और मधु और अरुण की शादी हो जाए। देवी माँ से मेरे लिए भी प्रार्थना करना माँ, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। गंगा जमुना सरस्वती, मैं तुझे हवा में उछालूंगा, तू जिस पर गिरेगा उसी के साथ मैं अपने प्यार का खेल शुरू करूंगा। ये तो गंगा है। चलो गंगा मैडम, पहले तुम्हारा फैसला करते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत, आइए। अगर मेरा बस चले तो डाइवोर्स देने वाले तमाम मर्दों को लाइन में खड़ा करके टॉप से उड़ा दूं। गंगा, तुम मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती हो? सब मर्दों से नहीं, सिर्फ उनसे जो औरत को अपने पैरों की जूती समझते हैं, उनकी खुशियों के दुश्मन हैं, उनकी इज्जत से खेलते हैं। जो मर्द औरत को बराबर का दर्जा देता है उनसे मुझे कोई नफरत नहीं है। मगर तुम शादी तो करोगी ना? क्यों नहीं करूंगी, जो औरत की इज्जत करता है वही मेरा पति बनेगा। मैं भी औरत की बहुत इज्जत करता हूं, और इसे साबित करने के लिए मैं कोई भी काम कर सकता हूं। मैं राजू हूँ। तुम राजू है? जी। तुम राजू है? जी। चलो चलो बच्चे लोग, चलो 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 जाओ, अपना काम करो। तुम्हारा नाम राजू है,
जी अभी नहीं रहेगा। क्यों? तुम कल हमारे मोहल्ले में आया था, बोलो हमारे मोहल्ले में आया था। आया था। हमारे छोकर शेर खान को मारा तुमने? बोलो मारा था। मारा था। क्यों मारा था? क्यों मारा था? तुम आपको पूछता क्यों मारा था? आपको पूछता क्यों मारा था? अभी वो रोटी कैसे खाएगा? दांतों से। किधर है उसके दांत? तुमने पूरा दांत तोड़ दिया उसका? नहीं नहीं खाना था, चार बचे थे। चार बचा था वो मैं तोड़ दिया मैं। क्यों? आपके आदमी किधर है? ओए मजाक मत करो, तुमको मालूम है हमारा आदमी तुम्हारा बिल्डिंग पूरा घेर के कराए, एक चट्टी मारेगा ऊपर आएगा तुमको मार मार के तुमको कोट कोट के चट्टी बनाएगा। अभी देखो वो चट्टी नहीं बजा, तेरा तकदीर बहुत अच्छा है, एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं हम। नहीं नहीं खानदादा मत बजाओ, मैं बताता हूँ। आपका बेटा हमारे मोहल्ले की एक लड़की को भगा के ले जाने के चक्कर में था। वो तो अच्छा है, मर्द का बच्चा है, ऐसा करने को हम बहादुरी बोलता है खान। आपके लिए बहादुरी है लेकिन एक लड़की की, एक खानदान की इज्जत का सवाल है। आपको मालूम है औरत की इज्जत क्या होती है? एक शीशे की तरह, टूट जाए तो जुड़ता नहीं, एक फूल की तरह, तोड़ दिया तो मुरझा जाता है। और आपका बेटा रावण बनकर उस लड़की को उठा के ले जाने की कोशिश कर रहा था, यह मैं कैसे होने देता? मैं अपनी शक्ल अपने गुरु जॉन कुछ को कैसे दिखाता? इसीलिए मैंने उसको मारा। अब बोलो क्या हमने गलत किया? बात तो तेरा बराबर है लेकिन तू मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों मारा? ये ले। तुमने खान को मारा है? वल्ला खान को मारा है, वल्ला वल्ला वल्ला, तुम खान को मारा, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी। ए खान खबरदार, अगर अपने मोहल्ले की लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने तेरे बेटे को मारा था, आज इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। बुला अपने आदमी, बजा सिटी। बचता नहीं है, कुछ मिस्टेक है। मैं दोबारा सिटी प्रैक्टिस करके आएगा, मैं तेरे को देखेगा, तेरे को मैं देखेगा। सिटी बजाने से क्या होगा? माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि अपने गुस्से पर काबू रखो, फिर भी मुझसे गलती हो गई। गुरु कौन है आपकी गुरु? जी वो जॉन कुछ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया था कि किस तरह औरत की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा अच्छा जी मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्ते।